बेफिक्रे बनाने की जब आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था कि वे 100 करोड़ क्लब या बॉक्स ऑफिस की चिंता किए बगैर फिल्म बनाएंगे। वे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बोझ से हल्का होना चाहते हैं। उन्होंने नए क्रू मेंबर्स के साथ तथा अपने प्रिय हीरो शाहरुख खान के बिना फिल्म बनाने का साहस किया है। 1995 में आदित्य ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई थी, जिसकी प्रेम कहानी में लड़की को घर से भगाने से लड़का इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि वह लड़की के पिता की इजाजत के बिना शादी नहीं करना चाहता। 21 वर्षों में प्यार की परिभाषा बदल गई है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नायक सोचता था कि दूर जाती नायिका यदि पीछे मुड़कर देखेगी तो इसका मतलब यह है कि वह उससे प्यार करती है। बेफिक्रे में दूर जाते नायक को नायिका देखती है। उसका साथी बोलता है कि वह नहीं पलटेगा तो नायिका कहती है कि वह तो उसके नितंब देख रही है। बेफिक्रे आज के युवाओं की कहानी है जिसमें लड़कियां लड़कों की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। वे अब सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर खुलकर बातें और पहल भी करती हैं। शायरा और धर्म के जरिए आदित्य चोपड़ा ने युवाओं की सोच में आए बदलाव को बेफिक्रे में दर्शाया है। बेफिक्रे में कहानी जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ किरदारों की सोच के साथ प्यार और दोस्ती के कन्फ्यूजन को इसमें दिखाया गया है। धर्म और शायरा सिर्फ इसी शर्त पर साथ रहने के लिए राजी हुए थे कि प्यार वाली फीलिंग कभी नहीं लाएंगे। धर्म अपने आप को हवस का पुजारी कहता है तो दूसरी ओर शायरा व्यवहारिक लड़की है जो प्यार में नहीं पड़ना चाहती। दोनों महसूस करते हैं कि साथ में उनका रहना मुश्किल है और ब्रेकअप हो जाता है। अलग होने के बाद वे फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों की अलग अलग शादियां तय हो जाती है, इसलिए वे मन ही मन दुखी होते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनके बीच जो लगाव है वही प्यार है। दोस्ती, ब्रेकअप और प्यार को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं और बेफिक्रे भी इससे अलग नहीं है। बेडरूम तथा किसिंग सीन के जरिए आदित्य ने यह जताने की कोशिश की है कि वे कुछ अलग करने जा रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक भी किसिंग सीन नहीं था और यहाँ पर उन्होंने चुंबनों की बारिश कर दी है और इसे ही वे अपनी बेफिक्री मान रहे हैं। आदित्य की नई सोच इंटरवल तक कायम रहती है, लेकिन फिल्म को समेटने में वे अपने यशराज फिल्म वाले चिरपरिचित अंदाज की ओर लौटते हैं। वे उस पंछी की तरह रहे जो जहाज से ये सोचकर उड़ता है कि नई जगह तलाशेगा, लेकिन थक हार कर जहाज पर ही लौटता है। आदित्य सिर्फ यही दर्शा पाए कि आज का युवा सेक्स को लेकर दब्बू नहीं है, लेकिन इससे आगे वे नहीं निकल पाए। इस कारण इंटरवल तक अच्छी लगने वाली फिल्म जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ती है निराशा हाथ लगती है। विचार के मामले में यह फिल्म कोई खास हलचल नहीं मचाती, लेकिन मनोरंजन के मामले में ये आगे है। स्क्रीन प्ले अच्छे से लिखा गया है, खासकर रणवीर सिंह के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। धर्म की मनमोजी शख्सियत आपको फिल्म से जोड़कर रखती है। कई ऐसे दृश्य हैं जो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। धर्म की बेफिक्री और मस्ती सीधे दर्शकों को छूती है और आपको यह किरदार पहली फ्रेम से ही अच्छा लगने लगता है। प्रेम कहानी के लिए पेरिस से बेहतर जगह नहीं है। बेफिक्री के जरिए पूरे पेरिस को नाप दिया गया है। ओनोयामा ने फिल्म बेहतरीन तरीके से शूट की है। फिल्म का एक और प्लस पॉइंट इसका संगीत है। चुटिल संवाद फिल्म की चुस्ती बनाए रखते हैं। रणवीर सिंह फिल्म की लाइफलाइन है। उनके अंदर बहती ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि वे अभिनय कर रहे हैं। धर्म के मस्त मोला स्वभाव के जरिए उन्होंने खूब धमाल मचाया है। वाणी कपूर कैमरे के सामने बिंदास रही हैं। आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलकता है। कुछ दृश्यों में जरूर लगता है कि वे अभिनय करने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर बेफिक्रे में ऐसा कुछ नहीं है जो नया या हटके हो, लेकिन रणवीर का अभिनय, मधुर गाने, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और फिल्म का यूथफुल लुक इसे वन टाइम वॉच बनाता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।